सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा पर पहले अपने नाम बताने के ऊपर अब रोक लगा दी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इमरान मसूद साहब हैं। क्या कहेंगे इस आदेश को लेकर संसद साहब? देखिए, बहुत स्वागत योग्य कदम है और जिस प्रकार का वो आदेश था वो तुगलकी फरमान था, उस तुगलकी फरमान को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। ये आप कभी धर्म के नाम पर करेंगे, कल फिर जातियों के नाम पर आप शुरू करें देंगे। आप समाज को ले जा कहाँ रहे हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं समाज को? बीजेपी का कहना है कि अगर रहीम का नाम आ रहा है तो राम का भी नाम लिखा जा रहा है, तो फिर इसमें राजनीति और धर्म कहाँ से आ रहा है? कौन मना कर रहा है? लेकिन राम का नाम लिखा जाएगा केवल शाकाहार के ऊपर और रहीम का नाम लिखा जाएगा केवल मांसाहार के ऊपर, इस पर आपत्ति है? इमरान मसूद मुसलमान है और शुद्ध शाकाहारी हूँ, 100% शाकाहार हूँ, मैंने कभी अंडा मांस मछली नहीं खाया, तो क्या ये मेरे लिए मुसलमान होना रोड़ा बनेगा इस काम के लिए? ये नहीं हो सकता ना कि आप ये काम कहें कि साहब ये होगा, ये नहीं होगा, ये इस तरह से होगा। मैं शाकाहारी हूँ तो आप मुसलमान के शाकाहारी नहीं हो सकता? आपने सारे होटल पे से जितने कर्मचारी थे पुलिस ने सब भगा दिए कि साहब आप इन होटलों पर नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते हैं साहब? आपको लगता है कि ये धर्म की राजनीति सिर्फ एक जगह से, क्योंकि उसी तरह से पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि बांग्लादेश में जो स्थिति है, अगर कोई देश में आना चाहे, रहना चाहे, तो उसे बंगाल में जगह दी जाएगी। नहीं, देखिए, इस प्रकार की बातें मेरे ख्याल से गैर मुनासिब हैं। हमें दूसरों के मामले में ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। अभी उनको अपने तरीके से अपने देश का मामला है, उनको निपटना चाहिए। लेकिन ये बात, अब जहाँ तक इस मसले की बात है, ये बिल्कुल मसला डिफरेंट है। यहाँ कोई बाहर की बात नहीं हो रही, यहाँ तो हम यहीं के तो हैं, हम यहीं के तो हैं, हम बाहर के हैं क्या कि साहब सारे कर्मचारी होटलों से भगा दिए उन्होंने? ये कौन सा बात हो गई? नीट पर भी आवाज उठा रहा है विपक्ष, तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस्तीफा की बात तो दीगर है, जिस तरह से एनटीए ने 240 से ज्यादा परीक्षाएं की हैं उनमें अभी तक किसी भी तरह की गलतियां नहीं हुई, लेकिन नीट पर कार्रवाई हो रही है। देखिए, इन्होंने कितना, मतलब एक रिकॉर्ड सरकार का बन जाएगा कि परीक्षाओं के अंदर जितने पेपर लीक इस सरकार में हुए हैं, इतने पेपर लीक कभी नहीं हुए। पेपर लीक लगातार जारी हैं, लेकिन उस पर सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में जारी है। कैमरा पर्सन पंकज रावत के साथ मनोज लोहिवाल, दिल्ली, एबीपी न्यूज। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस, सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम।